फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फ्रंट प्लेट को हाइड करके किस तरीके से हम बेबी कोर्ट सेट बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति फैशन बुटीक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कटिंग बताई थी इसकी, इस वीडियो में हम स्टिचिंग देख लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये कट किया था, तो ये फ्रंट जो है हमारा, और उसके ऊपर हमने रखा है फ्रंट का जो हमने डिज़ाइन बनाया है, और बैक भी इसमें हमने रखी है। तीनों पार्ट्स को रखने के बाद 2 इंच हम ओनफोल्ड वाली साइड से मार्क लगाएंगे और 1/2 इंच डाउन करेंगे इस तरीके से, शोल्डर डाउन करेंगे और इसको कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको 1/2 इंच जो है शोल्डर डाउन करना है। अब इसके बाद देखिए गाइज, हम फ्रंट पार्ट अलग और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो अभी हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे ब्रॉड का, और लेंथ वाइज 3.5 इंच का मार्क लगाएंगे। इस तरीके से मार्क लगाने के बाद यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से राउंड शेप जो हमने दी है इसको हम कट कर देंगे। तो नेक जो है आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा या छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं 3.5 इंच जो है इसमें डाउन करके बनाया है मैंने इसमें। और बैक नेक अब कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस, इस तरीके से बैक नेक कटिंग करने के लिए ब्रॉड हम वही लेंगे सेम 1.25 इंच का, और जो डाउन करेंगे इसमें हम 2 इंच जो है इसमें जो हम लेंथ वाइज लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे भी जो है हम राउंड शेप दे देंगे, एंड राउंड शेप देने के बाद इसको हम कट कर देंगे नेक को कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है फ्रंट और बैक नेक दोनों ही कटिंग हो गए हैं हमें। और इस तरीके से अब इस जो है स्टिचिंग किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो हमने डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक कटिंग किया था इस पर हम एक लेस का लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करते जाएंगे फैब्रिक को, और लेस के ऊपर कुछ इस तरीके से रखेंगे और इस पर स्टिच लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसके ऊपर रखते, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि लेस लगाते समय जैसे हम ये फैब्रिक को फोल्ड कर रहे हैं तो आपको जो है फैब्रिक को खींचना नहीं है, बस आराम आराम से इसको लगाना है। अगर आप खींच के करेंगे तो आपका फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी इसमें। देखिए इस तरीके से जो है मैंने इजीली इसमें लगा लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लगाने के बाद जो अब हम देखेंगे कि इसे इसमें किस तरीके से अटैच करेंगे। तो राइट साइड वाला पार्ट ले लेंगे आप। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से राइट साइड वाला पार्ट हम ले लेंगे, जैसे ये प्लेट्स डली हुई हैं दोनों साइड में। और ये प्लेट्स को जो है सबसे पहले तो आप प्लेट्स को स्टिच लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, जिससे कि आपको लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये जो है हमारा रॉन्ग साइड है। फ्रेंड्स, अब फ्रंट और बैक पार्ट के जो रॉन्ग साइड है उन दोनों को मिलाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं और दिखा देती हूँ आपको, ये रॉन्ग साइड है और ये भी रॉन्ग साइड है। तो दोनों पार्ट्स को हमने रॉन्ग साइड को मिला लिया है, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को। अभी डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हमने नहीं लिया है। देखिए, डिज़ाइनिंग वाला पार्ट को बैक पार्ट पर रखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम रखेंगे डिज़ाइनिंग वाले पार्ट को, कुछ इस तरीके से रखेंगे राइट साइड को, राइट साइड से मिलाते हुए बैक पार्ट के ऊपर रखना है आपको, और शोल्डर में इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से आप लगाते हैं तो आपका जो है शोल्डर हाइड होके लगेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से इसमें लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से शोल्डर पे आपको स्टिच लगा लेनी है कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से शोल्डर पे जो है मैंने स्टिच लगा ली है, और स्टिच लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जो है राइट साइड पे इसको लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। हमने रॉन्ग साइड पे रख के स्टिच लगाई थी और इसको टर्न करके हम राइट साइड पे ले आए हैं। तो राइट साइड पे इस तरीके से आप टर्न कर देंगे तो आपका जो शोल्डर है वो हाइड हो जाएगा। और इस तरीके से शोल्डर को मिलाते हुए आर्महोल की साइड से जो है हम अच्छे से मिलाते हुए फैब्रिक को एक पिन से सेट कर लेंगे, और नेक वाली साइड से भी एक पिन से सेट कर लेंगे, जिससे कि अभी स्टिचिंग लगाने में हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली हमारी स्टिचिंग जो है लग जाएगी। तो सबसे पहले मैं नेक के राउंड में एक स्टिच लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से नेक के राउंड में मैंने एक स्टिच लगा ली है। नेक के राउंड में स्टिच लगाने के बाद जहाँ हमने लेस पे स्टिच लगाई थी सेम उसी स्टिच के ऊपर ही हम एक स्टिच और लगाएंगे। और इस तरीके से देखिए, एक इंच की पट्टी लेंगे और लगभग 3-3.5 इंच लेंथ में लेंगे, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक डोरी पट्टी बना लेंगे। आप चाहो तो इसकी जगह डोरी भी बना के लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मैंने इस तरीके से जो है पट्टी बना ली है, वो भी बहुत ही पतली। और इस तरीके से बनाने के बाद जो है देखिए, बैक पार्ट पे हम कुछ इस तरीके से स्ट्रेट मार्क लगाएंगे, और ये लगभग 2.5 और 3.5 इंच लंबाई में है, 2.5 इंच चौड़ाई में।
बीचों बीच इसको जो है क्रीज बना लेंगे और इस तरीके से सेट कर लेंगे। और इस तरीके से सेट करने के बाद देखिए ये जो हमने डोरी बनाई है, देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे बीचों बीच सेंटर में। और जो है हमने 0.25 इंच का लगभग इसमें मार्जिन देना है, बाकी हम इसे कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा पट्टी सभी मैंने कटिंग कर दी है, लगभग 0.5 इंच ही बाहर होनी चाहिए आपकी ये इस तरीके से। वो आप अपने बटन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितना बड़ा आप बटन बना रहे लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो लगभग ये जो है 2 से 2.5 इंच आप डीप कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग है आपका। ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो देखिए इस तरीके से 2 या 2.5 इंच लेंथ में आप लेते हुए इसको स्टिच लगा लेंगे, वी में, वी शेप में इसको स्टिच लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है हमने ये स्टिच को लगा लिया है, इसमें स्टिच लगा के रेडी कर लिया है। एंड स्टिच लगाने के बाद जो है बीचों बीच सेंटर से हम इसको कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से फैब्रिक को टर्न करेंगे और फैब्रिक को टर्न करने के बाद कुछ इस तरीके से ये डोरी पट्टी हमारी निकलेगी इस तरीके से 0.5 इंच बाहर। और इसके कॉर्नर पे एक स्टिच हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से, स्टिच लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। एक स्टिच आपको कॉर्नर पे लगानी है सबसे पहले, कुछ इस तरीके से जैसे मैं इसमें लगा रही हूँ। एंड इस तरीके से लगाने के बाद देखिए गाइस, अब इसे बैक पर टर्न करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 0.5 इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और इस पर भी जो है हम स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से 0.5 इंच फोल्ड करने के बाद इसमें स्टिच हम लगा के इसमें रेडी कर लेंगे इस पट्टी को। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है हमने इसको रेडी कर लिया है कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पे बटन लगा सकते हैं, कोई भी रेडीमेड या फैब्रिक का भी बटन लगा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर से हमने हाइड कर लिया है, देख सकते हैं आप दोनों साइड से। तो ये हाइड करेंगे इस तरीके से, अच्छा लुक आता है इसमें। और एक हमने रेप पट्टी ली है इस तरीके से, और रेप पट्टी जो है लगभग आप 1.25 से 1.5 इंच की ले सकते हैं। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे एंड डबल फोल्ड करने के बाद देखिए एक कॉर्नर से आप इसको लगाना स्टार्ट करेंगे बैक से कुछ इस तरीके से, और इसमें स्टिच लगाएंगे। स्टिच जो है लगभग 0.25 इंच के गैप पे लगती है, 0.5 इंच के गैप पे नहीं लगानी है आपको, 0.25 इंच के गैप पे जो है पूरे राउंड में आपको लगानी है। देखिए कुछ इस तरीके से एक साइड से हमने स्टिच लगाना स्टार्ट किया है, दूसरी साइड तक इस तरीके से स्टिच लगा ली है। 0.5 से 1.25 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा करके इसको कटिंग कर देंगे और थोड़े थोड़े गैप पे जो है हम इसमें कट्स लगा देंगे, जिससे कि हम इस फैब्रिक को टर्न करेंगे तो ईजिली हमारा नेक टर्न हो जाएगा अच्छी फिनिशिंग के साथ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पट्टी को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद जो है कॉर्नर पे इसमें हम स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम जो है पट्टी के एकदम कॉर्नर पे आपको स्टिच लगाना है, जिससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इस पे आती है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरे राउंड में हमने स्टिच को लगा लिया है। एंड स्टिच लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको हम टर्न करेंगे फैब्रिक को कुछ इस तरीके से। 0.5 इंच जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और जो इसको है टर्न कर देंगे फैब्रिक को, और इसके ऊपर जो है हम स्टिच को लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्टिच है मैं राइट साइड से लगा रही हूँ, आप चाहो तो इसे रॉन्ग साइड से भी स्टिच को लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप रॉन्ग साइड से स्टिच लगाएं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि पट्टी का जो है एंड कहाँ पे है, तो आपकी स्टिच अच्छे से नहीं लगेगी। तो मैंने राइट साइड से लगाया, आप रॉन्ग साइड से लगा सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं तो। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ बटन बनाएंगे इसमें होममेड बटन लेस से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने लेस की 2 शेप्स इस तरीके से कट कर ली हैं और इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड फोल्ड करने के बाद जो है इसमें हम स्टिच लगा के इसको बटन बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। सबसे पहले हम बीचों बीच सेंटर में इसमें स्टिच लगाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड सेंटर में स्टिच लगाने के बाद इसके राउंड में हम स्टिच लगा देंगे कुछ इस तरीके से। राउंड में हम स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेंगे। आप जो है इसमें रेडीमेड बटन या फिर होममेड फैब्रिक के बटन भी लगा सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वो सब आपकी डेकोरेशन आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। इस तरीके से मैंने बटन बना लिया है और दो मतलब एक बटन और मैं बनाऊँगी, तो मैं ऊपर की साइड में एक बटन सेम इस तरीके से बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 2 हमने बटन बना लिए हैं। अनबटन बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स को रेडी कर लेंगे सबसे पहले। तो स्लीव्स देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बारीक नीचे से मोड़ देंगे स्लीव्स के लिए कुछ इस तरीके से। हमने फोल्ड कर लिया और एक हमने ली है इलास्टिक, जो कि हमने लिया है 8 इंच का। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से 8 इंच का हमने इलास्टिक लिया है।
और इस तरीके से लगभग 1.5 इंच पे हम एक मार्क लगाएंगे इलास्टिक के लिए। देखिए फ्रेंड्स, लगभग 0.25 इंच का चौड़ाई में ये जो है इलास्टिक है हमारा। इस तरीके से हम सबसे पहले तो 1 इंच तक सिंपल, 1.5 इंच तक तो सिंपल स्टिच लगाएंगे एंड उसके बाद जो इलास्टिक को खींचेंगे इस तरीके से और फिर इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये स्टिच आप 5 नंबर की लगाएंगे, कुछ इस तरीके से स्टिच लगाएंगे और दूसरे साइड में भी लगभग 1.5 इंच तक आपका प्लेन इलास्टिक आना चाहिए, यहाँ पर को नहीं खींचना। देखिए इस तरीके से स्टिच लगाएंगे दूसरे साइड से और स्टिच लगा के जो है ये इलास्टिक हमने इसमें लगा लिया है और इसे पक्का करने के लिए गाइज इसके ऊपर आप एक स्टिच और लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने एक स्टिच और लगा लिया जिससे इलास्टिक पक्का रहेगा एंड इस तरीके से दूसरा भी जो है हम बना लेंगे स्लीव्स को इलास्टिक करके और फ्रंट की मैंने शेप दे दी है इसमें। और इस तरीके से देखिए गाइस हम इसको लगाएंगे स्लीव्स को, देखिए अटैच करेंगे। फिटिंग लगाने से पहले आपको स्लीव्स को अटैच करना है कुछ इस तरीके से, जैसे रेडीमेड जो है कुर्तीज़ की भी स्लीव्स लगती हैं आपको पता होगा, उसी तरीके से इसमें हम लगाते हैं। देखिए गाइस इस तरीके से हम जो है इसमें स्लीव्स को लगा के रेडी कर लेंगे एंड स्लीव्स इस तरीके से लगा लेंगे एंड स्लीव्स लगाने के बाद जो है दूसरे साइड में भी स्लीव्स को इसी तरीके से सेम हम रेडी कर लेंगे। एंड उसके बाद देखिए हमने 11 इंच ऊपर लिया है बस्ट का साइज़, 11 से 11.5 इंच आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद हमने जो है अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद इसमें स्टिच हम लगा लेंगे। और देखिए गाइस इसमें जो हमने वेस्ट पे मार्क लगाया है वहाँ से वेस्ट पे जैसे हमने 10.5 इंच पे मार्क लगाया तो 1.5 इंच ए शेप में ही हमें नीचे तक मिला लेना है, जो हिप पे कोई मार्क नहीं आता है इसमें, डायरेक्ट वेस्ट से 1.5 इंच शेप हमने इसमें देनी है। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद जो है मैं इसमें स्टिच लगा के इसको रेडी कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने एक साइड में इसमें स्टिच को लगा लिया, इसी तरीके से दूसरी साइड में भी मैं स्टिच को लगा के रेडी कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से मैंने जो है स्टिच को लगा के रेडी कर लिया है, एक गैप पे भी मैंने इसमें स्टिच लगाई है लगभग एक पैर के गैप पे, तो वो आप लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो है ये हमारा टॉप इस तरीके से कुछ रेडी हो गया है। अब नीचे की साइड से हमने इसको फिनिश करना है, तो नीचे की साइड से हम किस तरीके से फिनिश करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको फोल्ड करेंगे फैब्रिक को कुछ बारीक, देखिए इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फोल्ड करके जो है पूरे में इसमें हम स्टिच को लगा के रेडी कर लेंगे पूरे राउंड में। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से, तो आप अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग फोल्ड कर सकते हैं, जितना आपने मार्जिन दिया था उसी के अकॉर्डिंग आप पूरे राउंड में फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से पूरे राउंड में जो है मैंने इसको फोल्ड करके रेडी कर लिया है कुछ इस तरीके से। एंड इस तरीके से रेडी करने के बाद मैं नीचे लेस लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो है नीचे की साइड में हम लेस लगा लेंगे बॉटम में, देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये एकदम ऑप्शनल है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं अच्छा लुक देने के लिए इसमें नीचे की साइड लेस इसमें लगाऊंगी। इस तरीके से पूरे राउंड में जो है मैं इसमें लेस लगा के रेडी कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से लास्ट में लेस के ऊपर लेस हम इस तरीके से कुछ डिज़ाइन से मैच करते हुए हम रखेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जॉइंट कहाँ पे है। देखिए गाइस इस तरीके से राउंड के ऊपर राउंड हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, जिससे कि लेस जो है काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी लग के इसमें रेडी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी लेस इसमें लग गई है एंड लेस लगने के बाद जो है ये टॉप जो है हमारा बन के रेडी है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको फ्रंट प्लेट से हाइड करके जो है इसमें बताया है और शोल्डर को भी हाइड करके लगा के इसमें जो है स्टिचिंग करना बताया है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम बॉटम को किस तरीके से बनाएंगे। बॉटम की कटिंग जो है मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, तो हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से सबसे पहले आसन की साइड से हम इसमें स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड में, देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में हमने स्टिच को लगा के रेडी कर लिया है। और इस तरीके से जो है हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे राइट साइड को, राइट साइड से मिलाते हुए इस तरीके से रखने के बाद जो है साइड स्टिच हम इसमें लगा लेंगे। साइड वाली जो है स्टिच हम इसमें लगा के इसमें रेडी कर लेंगे। इस तरीके से साइड स्टिच मैंने इसमें लगा ली है एक साइड में, इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हम इसमें साइड स्टिच को जो है लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से दूसरे साइड में भी हमने स्टिच को लगा लिया है इसमें। एंड दोनों साइड में स्टिच को लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स नीचे की साइड में हम लेस वर्क देंगे, तो इसके लिए जो है मैं एक मार्क लगाऊंगी 2.5 इंच पे कुछ इस तरीके से।
एंड 2.5 इंच पे मार्क लगाने के बाद एक मार्क मैं लगाऊंगी 2 इंच पे। देखिए कुछ इस तरीके से 2 इंच पे हम मार्क लगाएंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे इस वाले मार्क को जो है हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रेट करने के बाद जो है हम इसमें लेस किस तरीके से लगाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेस को कुछ इस तरीके से रखेंगे, नीचे की साइड राउंड शेप मैंने लिया है और इस तरीके से एक प्लेट डालेंगे, बहुत ही लाइट प्लेट आएगा आपका इसमें। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से रखते हुए इसमें जो है हल्का सा प्लेट डाल लेंगे, बस कुछ इस तरीके से। इस तरीके से प्लेट डालने के बाद जो है इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे, जिससे कि हमारी जो लेस है ना वो लेस हमारी हाइड करके लगेगी और लेस का बहुत ही अच्छा लुक आएगा। देखिए इस तरीके से जो है हमने हाइड करके जो है इस लेस को बॉटम पे लगा लिया है और इस तरीके से लगाने के बाद देखिए गाइस, ये जो हमने 2.5 इंच पे मार्क लगाया था ये हमने मार्जिन लिया था, तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए बॉटम की साइड में हम इसको स्टिच को कुछ इस तरीके से ये वाली जो स्टिच है हम जो अभी लेस पे मैंने स्टिच लगाई है उसी स्टिच के ऊपर ही आपके स्टिच को आनी चाहिए, तो जिससे कि आपकी जो है अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है ये लेस लग के रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है मैंने इसमें स्टिचेस में लगा ली है और ये बॉटम जो है हमारा एक साइड का रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी रेडी कर लूँगी। दोनों साइड के बॉटम को रेडी करने के बाद जो है मैं इसमें स्टिच लगा के रेडी कर लूँगी, मतलब साइड फिटिंग इसमें हम लगा लेंगे। बॉटम की चौड़ाई जितनी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है मैंने इसमें बॉटम की स्टिच भी इसमें लगा ली है और एक स्टिच और लगा के मैं इसको पकड़ कर लूँगी और साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन हो रहा होगा उसको हम कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने कट कर लिया है। इसके बाद देखिए दोनों साइड से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और कुछ इस तरीके से तिरछा इसको इसमें स्टिच लगा लेंगे मार्जिन को। देखिए इसी तरीके से दूसरे साइड में हम भी ऐसे करेंगे, इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए जो है इसमें स्टिच हमें लगा लेंगे इसमें। तो इस तरीके से जो है ये बॉटम हमारा नीचे की साइड से रेडी हो गया है। अब ऊपर से लास्टिक किस तरीके से लगाएंगे वो हम देख लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं बॉटम का लुक बहुत ही प्यारा आता है इस तरीके से बनाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लास्टिक जो है हम लास्टिक की लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्टिक की लेंथ मैंने इसमें 15 से 15.5 इंच आप ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ली है और जो है इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगा के दो मतलब लास्टिक को लास्टिक के ऊपर रखा है हमने, लगभग 1/2 से 1 इंच आप रख सकते हैं और इसमें हम स्टिच को लगाएंगे। एंड स्टिच लगाने के बाद देखिए गाइस, इसको जो है जितना आपने मार्जिन लिया है ऊपर की साइड से उतने ही मार्जिन को आपको फोल्ड करना है। तो जितना आपने मार्जिन लिया है आप अपने लास्टिक के अकॉर्डिंग मार्जिन ले सकते हैं और जितना आपने मार्जिन लिया है उतना ही आप फैब्रिक को फोल्ड करके लास्टिक को जो है इसमें लगा लेंगे। तो लास्टिक को एडजस्ट करते हुए पूरे राउंड में आपको स्टिच को लगा के इसमें रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं लास्टिक को एडजस्ट करते हुए इसमें पूरे राउंड में जो है इसमें स्टिच लगा के इसको लास्टिक को जो है ट्राउज़र के साथ अटैच कर लूँगी। इस तरीके से हमने लास्टिक को इसमें अटैच कर लिया है, लास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए। और देखिए इस तरीके से अब एक स्टिच हम लगाएंगे लास्टिक के ऊपर। तो ये स्टिच जो है आपको 5 नंबर की स्टिच लगानी है और लास्टिक को अच्छे से खींचते हुए इसमें 5 नंबर की स्टिच लगा के इसमें पूरे राउंड में इसको रेडी कर लेंगे। उससे पहले आप लास्टिक को जो है एडजस्ट करना ना भूलें। देखिए इस तरीके से जो है मैंने हमारा जो बॉटम है वो भी बन के रेडी हो गया है। अब दोनों चीज़ें हमारी जो है टॉप और बॉटम बन के रेडी हो गया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं और कौन सा वीडियो आपको अब तक का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या आप आगे किस तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। मैंने बटन लगा के इसको रेडी कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बैक लुक और ये जो है हमने इसमें बटन लगाया है कुछ इस तरीके से और ये जो डोरी की हेल्प से जो है आप इसको बेबी को बटन हटाकर पहना सकते हैं और उसके बाद फिर इस तरीके से बटन पे डोरी को लगा के इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है हमारा टॉप जो है अच्छे से बन के रेडी है। ये फ्रंट प्लेट्स है, देखिए कितनी प्यारी लुक इसमें आती है इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो इस तरीके से जो है। और देखिए पफ वाली स्लीव्स जो है हमारी बलून टाइप में इसमें बन के रेडी है। और देखिए बॉटम की भी बहुत ही प्यारी लुक है, हमने इसको आयरन करके अच्छे से जो है इसको फैब्रिक को सेट कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय गाइज।